तरफ सरकारी फैक्ट्रियां, सरकारी डिफेंस कंपनियों के कामकाज में सुधार किया, उनको ताकतवर बनाया, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दरवाजे खोले। इससे कितना लाभ हुआ वो हम HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में भी देख रहे हैं। और मैं कुछ सालों पहले की चीजें आज याद कराना चाहता हूं, मीडिया वालों का भी जरूर ध्यान जाएगा। यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही HAL है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। आज HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, HAL की बढ़ती ताकत ढेर सारे पुराने झूठों को और झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है, हकीकत खुद बोल रही है। आज वही HAL भारत की सेनाओं के लिए आधुनिक तेजस बना रहा है, विश्व के आकर्षण का केंद्र है। आज HAL डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को बल दे रहा है। साथियों, आज यहां तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए भी काम शुरू हुआ है, फूड पार्क, हेलीकॉप्टर कारखाने के बाद तुमकुरु को मिला एक और बड़ा उपहार है। जो ये नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा, इससे तुमकुरु कर्नाटका के ही नहीं बल्कि भारत के एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। ये चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। इस समय चेन्नई बेंगलुरु, बेंगलुरु मुंबई और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इन सभी में कर्नाटका का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत हो रहा है। मुंबई चेन्नई हाईवे, बेंगलुरु एयरपोर्ट, तुमकुरु रेलवे स्टेशन, मैंगलुरु पोर्ट और गैस कनेक्टिविटी, ऐसी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से इसे जोड़ा जा रहा है। इससे
यहां बहुत बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार बनने वाले हैं। साथियों, डबल इंजन की सरकार का जितना ध्यान फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, उतना ही हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जोर दे रहे हैं। बीते वर्षों में हमने निवासक के निरु, भूमि के निरावरी, यानी हर घर जल, हर खेत को पानी को प्राथमिकता दी है। आज पूरे देश में पीने के पानी के नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। इस वर्ष जल जीवन मिशन के लिए बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की गई है। जब हर घर जल पहुंचता है तो इसका सबसे बड़ा लाभ गरीब महिलाओं और छोटी बेटियों को ही होता है। उन्हें साफ पानी जुटाने के लिए गांवों से दूर नहीं जाना पड़ता। पिछले 3.5 वर्षों में देश में नल से जल का दायरा 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों से बढ़कर के 11 करोड़ परिवार हो चुका है। हमारी सरकार निवासक के निरु के साथ ही भूमि के निरावरी पर भी लगातार बल दे रही है। बजट में अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे तुमकुरु, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग और दावणगेरे सहित सेंट्रल कर्नाटका के बड़े सूखा प्रभावित क्षेत्र को लाभ होगा। ये हर खेत और हर घर तक पानी पहुंचाने के डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे छोटे किसानों को होगा, जो खेती के लिए सिंचाई के पानी पर, वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहते आए हैं। साथियों, इस साल के गरीब हितेशी, मध्यम वर्ग हितेशी बजट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विकसित भारत के निर्माण के लिए सब जुड़े, सब जुटे, सबका प्रयास कैसे हो, इसके लिए ये बजट बहुत ताकत देने वाला है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, उस सशक्त भारत की नींव इस बार के बजट ने और मजबूत की है। ये बजट समर्थ भारत, संपन्न भारत, स्वयंपूर्ण भारत, शक्तिमान भारत, गतिमान भारत की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। आजादी के इस अमृत काल में कर्तव्यों पर चलते हुए विकसित भारत के संकल्पों को
सिद्ध करने में इस बजट का बड़ा योगदान है। गांव, गरीब, किसान, वंचित, आदिवासी, मध्यम वर्ग, महिला, युवा, वरिष्ठ जन सबके लिए बड़े बड़े फैसले इस बजट में लिए गए हैं। ये सर्वप्रिय बजट है, सर्वहितकारी बजट है, सर्वसमावेशी बजट है, सर्वसुखाकारी बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है। ये भारत के युवा को रोजगार के नए अवसर देने वाला बजट है। ये भारत की नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ाने वाला बजट है। ये भारत की कृषि को, गांव को आधुनिक बनाने वाला बजट है। ये श्री अन्न से छोटे किसानों को वैश्विक ताकत देने वाला बजट है। ये भारत में रोजगार बढ़ाने वाला और स्वरोजगार को बल देने वाला बजट है। हमने आवश्यकते आधारा मत्तु अदाया, यानी आपकी जरूरतों, आपको दी जाने वाली सहायता और आपकी आय, तीनों का ध्यान रखा है। कर्नाटका के हर परिवार को इससे लाभ मिलेगा। भाइयों और बहनों, 2014 के बाद से सरकार का प्रयास समाज के उस वर्ग को सशक्त करने का रहा है जिन्हें पहले सरकारी सहायता मिलनी बहुत मुश्किल होती थी। इस वर्ग तक सरकारी योजनाएं या तो पहुंचती नहीं थी या फिर वो बिचौलियों के हाथों लूट जाता था। आप देखिए, बीते वर्षों में हमने हर उस वर्ग तक सरकारी सहायता पहुंचाई है जो पहले इससे वंचित थे। हमारी सरकार में कार्मिक, श्रमिक ऐसे हर वर्ग को पहली बार पेंशन और बीमा की सुविधा मिली है। हमारी सरकार ने छोटे किसान की सहायता के लिए उसे पीएम किसान सम्मान निधि की शक्ति दी है। रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को हमने पहली बार बैंकों से बिना गारंटी का ऋण दिलाया है। इस वर्ष का बजट इसी भावना को आगे बढ़ाता है। पहली बार हमारे विश्वकर्मा बहनों भाइयों के लिए भी देश में एक योजना बनी है। विश्वकर्मा यानी हमारे वो साथी जो अपने हाथ के कौशल से, हाथ से चलने वाले किसी औजार की मदद से कुछ निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं। जैसे हमारे कुंभारा, कम्मारा, अक्कसालीगा, शिल्पी,
गोरे के लस दवा, बड़गी आदि जो हमारे सब साथी है, पीएम विकास योजना से अब ऐसे लाखों परिवारों को उनकी कला, उनके कौशल को और समृद्ध करने में मदद मिलेगी। साथियों, इस वैश्विक महामारी के समय में राशन पर होने वाले खर्च की चिंता से भी हमारी सरकार ने गरीब परिवारों को मुक्त रख रखा है। इस योजना पर हमारी सरकार 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। गांवों में हर गरीब परिवार को पक्का घर देने के लिए बजट में अभूतपूर्व 70,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे कर्नाटका के अनेक गरीब परिवारों को पक्का घर मिलेगा, जिंदगी बदल जाएगी। भाइयों और बहनों, इस बजट में मिडिल क्लास के हित में अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं। 7 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स 0 होने से मिडिल क्लास में बहुत उत्साह है। विशेष रूप से 30 वर्ष से कम के युवा साथी जिनकी नौकरी नई है, बिजनेस नया है, उनके अकाउंट में हर महीने अधिक पैसों की बचत होने वाली है। इतना ही नहीं, जो रिटायर हुए कर्मचारी है, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, उनके लिए डिपॉजिट की लिमिट को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख यानी दोगुना कर दिया है। इसे उन्हें हर महीने मिलने वाला रिटर्न और बढ़ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले साथियों के लिए लीव एनकैशमेंट पर टैक्स की छूट लंबे समय से सिर्फ 3 लाख रुपए थी, अब 25 लाख रुपए तक के लीव एनकैशमेंट को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इससे तुमकुरु, बेंगलुरु सहित कर्नाटका और देश के लाखों परिवारों के पास ज्यादा पैसा आएगा। साथियों, हमारी देश की महिलाओं का वित्तीय समावेश भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। महिलाओं का वित्तीय समावेश घरों में उनकी आवाज मजबूत करता है, घर के निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाता है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां ज्यादा से ज्यादा बैंकों से जुड़े, इसके लिए इस बजट में हमने बड़े बड़े कदम उठाए हैं। हम महिला सम्मान बचत पत्र लेकर आए हैं। इसमें बहनें 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकती हैं, जिस पर सबसे अधिक 7.5% ब्याज मिलेगा। ये परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका को और बढ़ाएगा। सुकन्या समृद्धि, जनधन बैंक खातों,
मुद्रा ऋण और घर देने के बाद ये महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक और बड़ी पहल है। गांवों में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए भी बजट में अहम फैसला लिया गया है। भाइयों और बहनों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इस बजट में सबसे अधिक फोकस है। किसानों को कदम कदम पर डिजिटल टेक्नोलॉजी से मदद हो या सहकारिता का विस्तार, इस पर बहुत फोकस है। इससे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों सभी को लाभ होगा। गन्ने से जुड़ी सहकारी समितियों को विशेष मदद मिलने से कर्नाटका के गन्ना किसानों को बहुत लाभ होगा। आने वाले समय में अनेक नई सहकारी समितियां भी बनेगी और अनाज की स्टोरेज के लिए देश भर में बड़ी संख्या में स्टोर बनेंगे। इससे छोटे किसान भी अपना अनाज स्टोर कर पाएंगे और बेहतर कीमत मिलने पर बेच पाएंगे। यही नहीं, प्राकृतिक खेती से छोटे किसान की लागत कम हो इसके लिए हजारों सहायता केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। साथियों, कर्नाटका में आप सभी मिलेट्स, मोटे अनाज का महत्व बखूबी समझते हैं, इसलिए मोटे अनाजों को आप सभी पहले से सिरी धान्या कहते हैं। अब कर्नाटका के लोगों की इसी भावना को देश आगे बढ़ा रहा है। अब पूरे देश में मोटे अनाज को श्री अन्न की पहचान दी गई है। श्री अन्न यानी धान्य में सर्वश्रेष्ठ। कर्नाटका में तो श्री अन्न रागी, श्री अन्न नवणे, श्री अन्न सामे, श्री अन्न हरका, श्री अन्न कोरले, श्री अन्न उदलू, श्री अन्न बरगू, श्री अन्न सज्जे, श्री अन्न बीड़ी जोड़ा। किसान ऐसे अनेक श्री अन्न पैदा करता है। कर्नाटका के रागी मुद्दे, रागी रोटी, इस स्वाद को कौन भूल सकता है। इस साल के बजट में श्री अन्न के उत्पादन पर भी बहुत बल दिया गया है। इसका लाभ कर्नाटका के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के छोटे छोटे किसानों को सबसे अधिक लाभ होगा। साथियों, डबल इंजन सरकार के ईमानदार प्रयासों के कारण आज भारत के नागरिक का विश्वास बुलंदी पर है, आत्मविश्वास बुलंदी पर है। हम हर देशवासी का जीवन सुरक्षित करने के लिए, भविष्य समृद्ध करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपका निरंतर आशीर्वाद ही हम सभी के लिए ऊर्जा है, हमारी प्रेरणा है। एक बार फिर
आप सभी को बजट और आज तुमकुरू में जो विकास के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप आज इतनी बड़ी तादाद में यहां आए हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। से बाहर हैं, सारी गंदगी उनमें है। दिस कैन नॉट बी ट्रू, दिस जस्ट कैन नॉट बी ट्रू दैट अ ग्रुप ऑफ सिक्स पीपल आर एंजल्स हु हैव डिसेंडेड फ्रॉम अर्थ। ना उनने पीछे कोई गलती की है, ना आगे करेंगे, और उनके पास इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि वो गरीबों के घर में जाकर बुलडोज कर दें। एंड लेट देम अंडरस्टैंड दैट देयर हैज बीन अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन। बड़ी मुश्किलों से हम वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर लाइव्स। डोंट बिकम डिसरप्टर्स इन आवर लाइव्स। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है आप पूछिए। बाकी जो ये बड़े लैंड ओनर्स के खिलाफ कर रहे हैं, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। जो बड़ा लैंड ओनर है उसके पास इतना पैसा है, वो कल वकील लाएगा और सारा लैंड वापस लेगा, ये भी लिख लेना। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आज ये जितने अमीर लोग हैं एक एक अपनी जमीन वापस ले लेगा, मरेगा गरीब वहाँ, ये याद रखें। सजाद साहब, चीफ सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया कि दरवाजे कोर्ट के खुले हैं, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, लगातार इविशन ड्राइव होंगे, तो उसके स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? I don't know. I mean to say, if I were in his place, I would not make such a this thing statement. और कोर्ट कितने फ्री हैं यहाँ? अरे साहब, मैंने तो ये भी सुना है कि ऑर्डर वहाँ से ये है कि जो बयान देगा पहले उसके पीछे जाओ। तो कोर्ट और ये क्या है, दे शुड कम आउट ऑफ दिस एरोगेंस, लेट हिम ऑल्सो कम आउट ऑफ हिज एरोगेंस। ऐसे बयान नहीं देते हैं। बुलडोजर इज नॉट समथिंग दैट इंडिया शुड बी रिप्रेजेंट विद इन कश्मीर। इंडिया शुड बी रिप्रेजेंटेड बाई कंपैशन, बाई लव एंड बाई अफेक्शन। I don't think the best thing of Indianness in Kashmir should be bulldozer. That is the last thing that we should see. मैंने बोला नोटिस दे नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दे आर नॉट गिविंग एनी नोटिस। मैं इनको भी बताना चाहता हूँ, ये कोई मर्दानगी नहीं है कि 300 पुलिस ऑफिसर जाता है, फिर उसके साथ अमला होता है, फिर एक गरीब के घर जाते हैं। इसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी ब्रेवरी इन दिस। ये तो बेगैरती है, इसमें कोई ब्रेवरी नहीं है। आप जाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर फोटो उठाते हैं, जनाब हमने बड़ा काम किया है। आई डाउट इट, आई रियली डोंट थिंक इट्स अ मैटर ऑफ शेम। नहीं नहीं, हम नहीं मिलने जाएंगे यार, हमको कहाँ मिलने देंगे वहाँ। अब जाएंगे अब उसमें तुम उसके रूम कहाँ पसंद है। यार मेरी तो फैमिली में ये हुआ, मेरी सिस्टर का हुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए इसी बेशर्मी से। वी आर हेयर बिकॉज ऑफ दिस बेशर्मी। अब कहाँ गई वो ए टीम बी टीम? मेरे घर में नहीं चला बुलडोजर क्या? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आने वाले हफ्तों में सजाद साहब, अगर ये कार्रवाई मजीद जारी रही तो क्या यहाँ पे कुछ लेसन उन पार्टी में वो प्रोटेस्ट करती नजर आई, क्या ऐसा पीसी जो सोचती है वो भी ऐसा करे? वी विल टॉक टू आवर पीपल। वी डोंट वॉन्ट टू बी सीन एज एक्टिंग एज थिएटर। इफ वी डू समथिंग देर इज नो नीड टू डू हेयर। अगर हमें लगा, हम सोच रहे थे अभी हम करेंगे, एक वन ऑफ द ऑप्शन दैट इज ऑन द टेबल इज टू गो टू दिल्ली एंड एटलीस्ट सिट ऑन अ हंगर स्ट्राइक।
कोई चेंज नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कुछ चेंज होगा, बट एटलीस्ट वी कैन शो देम दैट व्हाट इज हैपनिंग टू अस, वी विल ट्राई, बट अभी यू नो वी आर, अभी हम अपने पार्टी में पूरा मशवरा करके दैट हाउ डू, आई विल टेल यू वन थिंग, आई हैव नेवर बीन सो हेल्पलेस एंड आई डोंट थिंक एनीबडी हैज बीन सो हेल्पलेस. दे स्टार्टेड ऑफ कि हमने जी बड़े लैंड